हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। ये वीडियो बेसिकली जया किशोरी जी की वीडियो है, जो कि आपको यकीनन अच्छी लगेगी। इनकी वीडियो पे हमने पहले भी रिएक्शन दिया था, तो वो वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त थी। सो आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। वीडियो है कृष्णा जी के ऊपर होगी, या फिर देख लेते हैं। तो क्योंकि हिंदी में इनका टाइटल लिखा हुआ है वीडियो का, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है कि ये वीडियो किस मुतलिक होने वाली है, बट ये है कि यकीनन ये राम जी और कृष्ण जी के ऊपर होगी। चलते वीडियो की तरफ, रिएक्शन देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना व्लॉग अपलोड किया है ऑन साइमन पीटर्स द व्लॉग पर। भगवान के साथ वहां पे उनके अतरंग सखा रहते थे। अतरंग सखा यानी बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छा मित्र, जिससे आपकी कोई बात छिपी नहीं। भगवान के अतरंग सखा कौन थे? उद्धव। भगवान के सबसे प्यारे मित्र थे, बहुत प्यार करते थे भगवान उनसे, और प्यार के साथ साथ वो बिल्कुल भगवान जैसे थे। रूप रंग चाल ढाल ज्ञान हरकतें सारी भगवान जैसी थी उनकी। रूप रंग में तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने उनको भेजा, एक कारण ये भी था कि उनको देखकर एक बार गोपियां यशोदा मैया सबने सोचा था कृष्ण आ गए, इतने भगवान से मिलते जुलते थे। तो और ज्ञान, उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से विद्या प्राप्त की थी, इतने ज्ञानी। कहा जाता है अगर आप बहुत ज्ञानियों में किसी का नाम लेते हैं तो उद्धव जी का नाम लिया जाता है। एक चीज की कमी थी, कौन सी कमी? उद्धव जी के लिए दुनिया में सबसे ऊपर ज्ञान था, और ज्ञान से ऊपर और किसी चीज को नहीं समझते थे। लेकिन भगवान जानते थे ज्ञान से ऊपर भी कुछ है, और वो है प्रेम। प्रेम उद्धव जी प्रेम को इतना महत्व नहीं देते, ज्ञान को, सिर्फ ज्ञान। तो भगवान कोशिशें कर रहे थे कि इसको प्रेम तत्व कैसे समझाऊं, पर मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन भगवान राजकाज के कार्य खत्म करके अपने कमरे में आते हैं। उनके कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी, और कई ऐसे घर होते हैं ना जिनकी खिड़कियों से पूरा शहर दिखता है, दिखता है यानी एक एक घर नहीं दिख रहा, पर आपको ऊपर से सब कुछ दिखता है। हाँ, ऊपर से दिखता है, कई छत में से दिखता है। तो भगवान की जो खिड़की थी कमरे की, उससे यमुना नदी का तट दिखता था, वृंदावन वाला। आज भगवान को वृंदावन की बहुत याद आ रही है। यहाँ कई ऐसे होंगे जिनके बच्चे बाहर पढ़ते होंगे, तो हमें बच्चों की याद तो आती ही है, या बच्चों को आपकी याद तो आती है, रोजा नहीं आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बहुत याद आती है, यानी उस दिन वो दिख जाए, वो मिल जाए आज बस। कभी कभी ऐसा होता है। भगवान के लिए आज वही दिन था। भगवान को वृंदावन की इतनी याद आ रही है कि आज उनको ऐसा लग रहा है कोई मुझे दिख जाए, अरे कोई पानी भरने आ जाए, कोई गैया चराने आ रहा हो, कोई किसी भी कारण से आज यमुना नदी के तट पर कोई तो आ जाए, कोई तो आ जाए। अब कई बार जब बहुत याद आती है तो आपको कभी कभी महसूस होने लगता है वो पास है। तो एक लीला हुई, भगवान यमुना नदी के तट पर एक टक देख रहे हैं। अब भगवान को आए तो कई वर्ष हो गए, तो कई नए ग्वाले आ गए हैं, तो वो गैया चरा कर घर लौट रहे थे। तो भगवान कहते, अरे ये तो वही समय है जब मैं, श्रीदामा, मुदमंगल, हम सब गैया चरा कर घर लौटते थे, अरे ये निश्चय वही समय है। पर यादों का ऐसा भाव उठा कि एक बार के लिए भगवान भूल गए कि वो कहाँ है, और भगवान जोर से आवाज लगाने लगते, अरे श्रीदामा रुको, मैं भी आ रहा हूँ, अरे मुझे मंगल जल्दी चलो, अरे आज तो बड़ी देर हो गई, आज माता बहुत चिल्लाएगी। और जब ध्यान भटकता है तो समझ आता है कहाँ बैठे हैं। भगवान जोर जोर से रोने लग जाते हैं, आवाजें आ रही है, हिचकियां बन गई है। वो आवाज सुनकर बगल के कमरे में उद्धव जी बैठे थे, वो दौड़ कर आते हैं, भगवान को देखते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। उद्धव जी कहते, प्रभु आप रो रहे हैं?
अरे आप तो ये रोना धोना दुख सुख से परे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? भगवान कहते मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है, मुझे मेरी यशोदा मैया की बहुत याद आ रही है, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आ रही है। भगवान कहते हैं अरे उद्धव, अरे मैंने उन्हें, मैं जब तक वहां रहा ना, एक सुख नहीं दिया। यशोदा मैया जैसी मैया युगो युगो तक किसी को नहीं मिलेगी। मैं जब तक रहा उनके घर केवल उल्हाने आए, शिकायतें आई। अरे रोजाना कोई ना कोई दरवाजे पर खड़ा रहता, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। फिर भी उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता गया। माँ तो माँ। एक बार मैं गैया चरा कर घर थोड़ी देर से लौटा, मेरी माता मुझे हृदय से लगाकर रोने लगी। वो कहती है कन्हैया तू देर मत किया, तू पास नहीं रहता ना, मेरा हृदय अपनी जगह छोड़ देता है, मुझे बहुत पीड़ा होती है, तू जल्दी आया कर। आज कितने दिन हो गए, मेरी माता कैसे रह रही होगी मेरे बिना। भगवान कहते हैं नंद बाबा जैसे बाबा किसी को नहीं मिले। अरे मेरे बाबा जान मुझ के जूतियां नहीं पहनते थे और घर से बाहर जाकर खड़े हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था अभी कृष्ण मेरी जूतियां सर पर लेकर आएगा और आकर कहेगा बाबा आपने जूतियां नहीं पहनी ना, जल्दी पहन लो, मैया चिल्लाएगी। और मैं अपने हाथों से अपने बाबा को जूतियां पहनाता था। उद्धव मैं दावे से कहता हूं, जब से मैं यहां आया हूं ना, मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी होगी। अरे उससे ज्यादा दुख तो मैंने उन भोली भाली गोपियों को दिया है। एक बार यशोदा मैया ने मुझसे कहा कि कन्हैया तू उनके यहां चोरी क्यों करता है, वो बहुत गरीब है, वो जो माखन दूध दही बेचती है उनसे जो पैसे आते हैं वो उससे ही भोजन करती है, तो उनकी मटकियां फोड़ता है, जिस दिन चुरा लेता है वो क्या खाएंगी। तो मैं कई दिनों तक चोरी करने नहीं गया। कुछ दिनों बाद वो सब की सब हमारे घर आ गई। आकर कहती है यशोदा कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या, हमारा कुछ नहीं? चोरी करता है तो करने दो, मटकियां फोड़ता है तो फोड़ने दो, पर असल में गरीब तो हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया हमारे घर आना छोड़ दे। क्या बात, जबरदस्त जबरदस्त। गरीब तो उस दिन हो जाएंगे जिस दिन नहीं करते, जिस दिन वो घर चोरी करने नहीं आता। सही है, क्या बात। कभी मत कहना हम गरीब है, वो जब तक पास है हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं। बहुत मजे। भगवान कहते हैं उससे भी ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है। राधे का कितना प्यार किया उससे, मैंने सबसे ज्यादा दुखी उसे दिया। भगवान कितनी देर तक राधे 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 कहकर रोने लगे। सोचिए यहाँ कितने हैं जिनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। उद्धव जी पर इतना सा भी असर नहीं पड़ा। काफी सख्त जी कहते प्रभु इतना ही था तो आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे। अनपढ़ गवार, भगवान कहते तुम्हें कैसे पता वो अनपढ़ है, वो कहां गुरुकुल गए होंगे, उनका काम तो दूध दही बेचना है। भगवान कहते ऐसे तो मैं भी एक ही वर्ष गुरुकुल गया, एक वर्ष में कोई कितना सीख लेगा। आप बच्चे को क्लास वन में डालो वो सीख गया जिंदगी भर। भगवान कहते मैंने एक वर्ष में गुरुकुल मेरा, मैं कितना सीख लूंगा फिर। उद्धव जी कहते अरे प्रभु ज्ञान की शुरुआत ही आपसे होती है, आप ही ज्ञान है। भगवान समझ गए ये मौका नहीं अच्छा है। हाँ, 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 सुना जाए। भगवान ने कहा सही कहा, मैं ना कर सका, मैं ना समझा सका उन्हें, तुम जाओ। समझा क्या? तुम ब्रज जाओ, नंद बाबा से मिलो, यशोदा मैया से मिलो, गोपियों से मिलो और उनको समझाओ कि ये रोना धोना प्यार ये सब छोड़े और ज्ञान मार्ग पर चले। अब उद्धव जी को इतना भरोसा है अपने ज्ञान पर, उन्होंने कहा ठीक है। भगवान ने कहा पर वस्त्र बदल के जाओ। भगवान ने उन्हें अपना पीतांबर दिया, अपना मुकुट दिया, अपने कुंडल दिए। उद्धव जी ने कहा इन सब की क्या जरूरत, बोले इनके बिना बात करना तो दूर, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं।
इस वजह से, इन चीजों की वजह से, मेरी सुगंध से उन्हें एक बार के लगेगा मैं आ गया, तो वो आंख उठाकर तुम्हें देखेंगे। ठीक है, जाते हैं वृंदावन, पहुंचते हैं। कुछ गोपियां जा रही थी, उससे कहा ये नंद बाबा का घर कौन सा है। गोपी ने कहा मथुरा से आए हो, तुम्हें कैसे पता। अरे मथुरा वासी पूछते हैं, वरना इस ब्रज में कृष्ण का घर किसी को ना पता हो, ऐसा हो सकता है क्या। बात गोपियों ने कहा ये जो जल जा रहा है ना नीचे बहता हुआ, इसके साथ साथ जाओ, ये जहां जाकर रुकेगा वो नंद बाबा का घर है। गोपियां कहती है इसको साधारण जल मत समझना, ये जब से तुम हमारे कृष्ण को लेकर गए हो ना, तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु जल बह रहे हैं ना, ये वो जल है। ओ। दुख में सब कुछ तो लेकर चले गए, क्या लेने आए हो। ठीक है, जाते हैं नंद बाबा के घर, पहुंचते हैं, आवाज लगाते हैं, नंद बाबा, ओ नंद राय जी। एक साधारण व्यक्ति की आवाज आती है, कौन। अरे मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का मित्र, उसका संदेश लेकर आया हूँ। एक व्यक्ति बाहर आता है, दुबला पतला शरीर, झुर्रियां पड़ गई है, आंखें अंदर तक धसी हुई, कांपती हुई आवाज, कहो मैं नंदराय। भगवान ने सबका हुलिया बताया था, कौन कैसा दिखता है। भगवान ने नंद बाबा को जो हुलिया बताया वो उससे इतना भी मेल नहीं खा रहा। अब देखिए, प्रेम को माने ना माने, पर पिता तो वो भगवान के थे, तो उद्धव जी ने उनके चरण छुए, माफ करना बाबा मैं आपको पहचान ना सका। अंदर बैठाते हैं, अंदर बैठाते हैं। नंद बाबा ने कहा बैठो, मैं कुछ भोजन लेकर आता हूँ, लेकर आता हूँ, घर पर नहीं है, लेकर आता हूँ। नंद बाबा गए तो उद्धव जी ने रसोई घर की तरफ देखा, रसोई घर में जाले पड़ गए हैं, मानो जब से कृष्ण गया है तब से उस घर में खाना नहीं बना। भोजन कराते हैं, फिर बाबा ने कहा आराम करो। उद्धव जी कहते अरे बात नहीं करोगे क्या, मेहमान बनकर थोड़ी आया हूँ मैं, बात करने आया हूँ, कुछ संदेश लेकर आया हूँ। नंद बाबा बैठते हैं, कुछ कहे इससे पहले यशोदा मैया आती है, पहली नजर उद्धव जी पे पड़ती है, जोर से भागती है, अरे कृष्ण तू आ गया। नंद बाबा कहते हैं वो कृष्ण नहीं है, उसका मित्र है, संदेश लेकर आया है, संदेश लेकर आया है। मैया कहती है वो जब छोटा था ना वो रोता था तो मैं बड़े से बड़े काम को छोड़कर उसे गोद में ले लेती थी कि वो रोए ना, वो दुखी ना हो बस। आज उसकी माता कब से रो रही है, वो आ नहीं सकता, मित्र को भेजा है। उद्धव जी कहते मैया कृष्ण को खुद गर्ज मत समझना, अरे वो आप सबको बहुत याद करता है। मैं जब यहाँ आ रहा था ना तो देव की माता ने मुझसे कहा कि यशोदा से जाकर कहना कि यशोदा धन्य है तेरे लालन पालन को। लेकिन जब वहां भगवान रह रहे थे ना तो एक बार देव की माता ने बातें की थी यशोदा मैया से, यानी व्यक्ति को भेजा था, पसंद ना पसंद पूछी थी, तो देव की माता कहती तुमने कहा था कि तुम्हारा बेटा बहुत चंचल है, दिन भर भागता दौड़ता रहता है, खेल कूद करता रहता है, पर यहां तो वो घर से बाहर पैर नहीं रखता। अरे चंचल तो दूर की बात, मैंने उसको आज तक मुस्कुराते हुए नहीं देखा कि कृष्ण मुस्कुराता कैसे। तुमने कहा था वो खाने पीने का बड़ा शौकीन है, तुम उसे दिन में 8 बार भोजन करवाती हो। 8 बार? एक दिन मैंने उसके लिए गौरस से बनी एक मिठाई बनाई, जो कृष्ण थाली को हाथ जोड़कर बैठता था वो उस दिन थाली छोड़कर चला गया। जाकर कहता है देव की माता से कहना मेरी थाली में गौरस से बनी कोई मिठाई ना रखे, मुझे यशोदा मैया की याद आती है, मुझे मेरे ब्रज की याद आती है। यशोदा मैया इससे ज्यादा सुन ही ना सकी, मूर्छा को प्राप्त हो गई। नंद बाबा उन्हें अंदर सुला देते, नंद बाबा कहते ये इतनी ही देर आराम करती है,
जब तक मूर्छा को प्राप्त होती है। मूर्छा को प्राप्त क्या मतलब? हर घर में जाती है, दरवाजा खटखटाई, कृष्ण आया क्या? वो चोरी करता है ना, मुझे पता है तुमने बांध के रखा है क्या, उसको वापस कर दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। वो चोरी नहीं करेगा, मैं अपने घर बांध के रखूंगी उसे, वो किसके घर नहीं जाएगा, तुम उसको लौटा दो बस। वृक्षों से पूछती है, तुमने कृष्ण को देखा क्या? बहुत चंचल है ना, बहुत इधर उधर घूमता है, कहाँ चला गया वो? गोवर्धन पर्वत से पूछती है, अरे तुम्हारी तो उसने पूजा करवाई थी, तुमसे बहुत प्यार करता है, तुमने उसको देखा क्या? उससे कहना उसकी माता उसे बहुत याद करती है, उसके बिना नहीं रह पा रही। उद्धव जी को अपना याद आता है, उन्होंने कहा बाबा आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके घर कृष्ण आया, पर जिसको आप बार बार बेटा बेटा पुत्र पुत्र कह रहे हैं वो किसी का पुत्र नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु का अवतार है, वो किसी का पुत्र नहीं, वो किसी का पिता नहीं, वो किसी का, वो भगवान है केवल, वो तो उनकी लीला थी, वो आपके घर आ गए। नंद बाबा कहते मैंने तो तुम्हें कोई समझदार बालक समझा था, तुम तो बड़े साधारण से बालक निकले। क्या कहा? वो भगवान है। अरे भगवान के एक लक्षण नहीं है उसमें, भगवान सबका पेट भरते हैं, अन्न का भंडार है, कहा जाता है ना वो किसी को भूखा नहीं सोने देते, जिसके घर में अन्न का भंडार होगा उसको वो भूख से तड़प सकता है। मैंने कितनी बार कृष्ण को भूख से तड़पते बिलखते हुए देखा है, रोता था यशोदा के पास आके, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, सब काम काज छोड़ो, मुझे पहले भोजन दो। तुम कहते हो भगवान? भगवान क्या कहते हैं? सत्य की राह पर चलो, कहते हैं ना, धर्म के लक्षण बताए गए। कौन ये बातें किसने कही है, किसकी लीलाएं हैं? भगवान की है। तो भगवान ने क्या सिखाया? सत्य की राह पर चलो। मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है, तुम कहते हो भगवान है? चलो मैंने मान लिया वो भगवान है, पर भगवान से कभी गलती तो नहीं हो सकती? हो सकती है, भगवान कुछ गलत कर सकते हैं? तो मुझसे गलती हुई ना, मैंने उसे बेटा कहा, उसने कितनी बार मुझे बाबा कहा है, यशोदा को मैया कहा है, गोपियां कहती नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, यशोदा मैया गोरी, तू कहां से आ गया काला, तू इनका बेटा नहीं है, तो क्रोधित हो जाता, आकर कहता मैया कह दे जा मरी से कि मैं तेरा छोरा हूं, तेरा छोरा हूं। तुम कहते हो वो भगवान है, और चलो मैंने मान लिया वो भगवान है, पर तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा ये कहना कि वो भगवान है मेरी विरह वेदना कम कर देगा? बोले हाँ, आप ही रोना धोना छोड़कर भगवान की राह पर चल। नंद बाबा कहते हैं तुम ज्ञानी जन एक ही बात समझाते हो ना, कि कोई गलत राह मत चुनो, दुख आए संकट आए हार जाओ, हर कोई साथ छोड़ दिया तो एक तो साथ रहता है, कौन रहता है? क्या कहते हैं इनका नाम क्या है? अगर कुछ भी गलत हो जाए किसके भरोसे जियोगे? सब साथ छोड़ दे किसके भरोसे रहोगे? नंद बाबा ने कहा मैं आज तक इस बात से दुखी था कि मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। कोई बात, बहुतों के बेटे ऐसे होते हैं जो माता पिता को छोड़ देते हैं, पर भगवान तो है, भगवान के सहारे जीता हूं, यही सोचकर मैं जी रहा था आज तक, पर तुमने मुझे क्या बताया? तुमने कहा कि वो बेटा नहीं वो भगवान है, यानी भगवान मेरा घर छोड़कर चले गए, जिसके सहारे मैं जी रहा था वही मुझे छोड़कर चला गया, अब किसके लिए जीऊं, क्यों रहूं मैं अब? तुमने तो मुझसे जीने की उम्मीद ही छीन ली। अरे अब तक तो इतना दुख नहीं था ये सोच करके बेटा छोड़ गया, अब तो इतना दुख है कि भगवान छोड़कर चले गए, कितने पाप किए होंगे मैंने पता नहीं कि भगवान मेरा घर छोड़कर चले गए। उद्धव जी को एक शब्द नहीं सूझ रहा, क्या सूझे? सब यही कहते हैं, हम भी आपको यही सिखा रहे हैं कि हर कोई साथ छोड़ देता है वो साथ नहीं छोड़ता, उसके सहारे जियो। पर उद्धव जी ने जो बातें कही उस हिसाब से तो नंद बाबा का घर भगवान ही छोड़कर चले गए, त्याग कर चले गए भगवान उनको, अब वो किसके सहारे जिए?
उद्धव जी वहां से चले जाते हैं बिना कुछ कहे। कोई जवाब नहीं मिल रहा, सारे ज्ञान की बातें रह गई उनकी। थोड़ी दूर जाते हैं, गोपियां दिखती है, गोपियों से मिलते हैं, गोपियों ने बैठाया। गोपियां कहती है कृष्ण ने भेजा है, तुम्हें कैसे पता? बोले ये कपड़े उसने ही पहनाए होंगे, ये कुंडल, ये मुकुट, ये पीतांबर। बोले हाँ। बोले हमें अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। गुस्सा है उनके अंदर, प्यार करते हैं वो भगवान से, भगवान उन्हें छोड़कर चले गए। तो कहते हमें ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि राजा बन गए हैं। उद्धव जी कहते हैं इतना क्रोधित होने की क्या बात है? अरे उसने संदेश भेजा है तुम्हारे लिए। क्या संदेश? बोले मैं तुम्हें समझाने आया हूं कि रोना धोना छोड़ो, प्रेम का रास्ता छोड़कर ज्ञान मार्ग पर चलो। गोपियां कहती और ज्ञान मार्ग पर चलकर क्या होगा उद्धव जी? अरे क्या होगा? कल्याण होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यहाँ हर व्यक्ति, आपने उठाया था ना दो दिन पहले हाथ, किस किस को स्वर्ग जाना है हाथ उठाना एक बार वापस। सभी ने उठाया होगा, ठीक है, सब हाथ उठा रहे हैं ना, सबको स्वर्ग जाना है। तो उन्होंने कहा कल्याण होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। गोपियां कहती है ठोकर मारते हैं ऐसे स्वर्ग को हम, जो हमें कृष्ण से दूर कर दे। और अगर कृष्ण प्रेम में रहने से हमें नरक की प्राप्ति होगी तो जन्मों जन्मों तक नरक में रहने को तैयार है। उसके प्रेम को तो नहीं छोड़ने वाले। क्या बात, जबरदस्त। और अगर आपकी बात मान भी ले तो आपने कहा कि मन ज्ञान मार्ग पर लगाओ, ठीक है, दिल ज्ञान मार्ग पर। दिल कितने होते हैं? एक। कितने होते हैं आपके पास, कितने दिल है? एक ही है। बोले वो तो कब का कृष्ण को दे दिया, अब वो लाओ तब जाकर उसको ज्ञान मार्ग पर लगाए। वो हमारे पास है ही नहीं, हमने तो दे दिया कृष्ण को। गोपियां कहती है आप बड़े ज्ञानी हैं ना, एक बात बताइए, संसार में ऐसी कौन सी प्रीति होती है जो जीवन भर रहती है? प्रीति यानी प्रेम, रिश्ता, जो जीवन भर रहता है। और ऐसी कौन सी प्रीति है जो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है? उद्धव जी कहते हैं जिसमें स्वार्थ होगा वो जल्दी नष्ट हो जाएगी, जिसमें प्रेम होगा वो रहेगा, जो निस्वार्थ प्रेम से किया जाएगा वो जीवन भर रहेगा, जीवन भर रहेगा। सही बात। तो गोपियों ने कहा हमने तो कोई स्वार्थ नहीं रखा, कोई स्वार्थ नहीं। गोपियां कहती है अरे हमें पता है आप ये सब जबरदस्ती की बातें करने आए हैं। दूसरी गोपी कहती है दूसरी गोपी से कान में कि ये सारी बातें तो झूठी है, हमें पता है जरूर इसको वो कंस के मित्रों ने ही भेजा होगा, कंस की मृत्यु हो गई है, उसका श्राद्ध है तो मांस लेने आया है। गोपी ने कहा यहाँ पर मांस कहाँ? अरे बोले इन सबको अच्छे से पता है कि कृष्ण के जाने के बाद हम सब मृत की तरह घूम रहे हैं, सब सबकी मृत्यु हो गई है, मानो सिर्फ जीने को जी रहे हैं, शमशान घाट है ये। दूसरी गोपी कहती है तो अगर ये मांगेंगे तो तुम अपना हृदय दे दोगी? बोले क्यों नहीं। अरे मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, सारे काम तो वही देख रहा होगा, हम उससे नहीं मिल सकते पर हमारे हृदय को वो देखते ही पहचान जाएगा ये किसका हृदय है, ये किस गोपी का हृदय है। से भाव है गोपियों के, यही भाव मीराबाई के थे। मीराबाई एक बार भगवान को बहुत याद कर रही थी, खूब भजन गा रही है, प्रार्थना कर रही है, भगवान उस दिन दर्शन देने नहीं आ रहे, कभी कभी परीक्षाएं लेते हैं, उस दिन आ नहीं रही भगवान, बहुत याद कर रही है, रो रही है। एक पेड़ के नीचे बैठी थी तो वहां पेड़ पर एक कौआ बैठा था, बहुत आवाज कर रहा है। तो मीराबाई उस कौए से कहती है कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे कागा
मुझे बहुत भूख लगी है इसलिए आवाज कर रहा है, मैं अपना कलेजा निकाल के देती हूँ, लेकिन इसे यहाँ मत खाना। कहाँ पे खाना? कि काढ़े कलेजो मैं धरू रे कागा तू ले जा और जाते सामारो पिया बसे वो देखे तू खा कि जाते सामारो पिया बसे वो देखे तू खा। इसे यहाँ नहीं खाना, इसके सामने खाना। वो जब वो देख रहा हो तो कुरेद कुरेद कर खाना, उसे पता चले पीड़ा क्या हो। उद्धव जी कहते हैं कहाँ अभी क्रोधित हो रही थी कि ऐश्वर्य दिखाने को भेजा है, राजा बन गए हैं और उसके लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार हूँ, उसकी ही बातें कर रही हूँ, उससे ही प्रेम करती हूँ। गोपियों ने कहा यही तो प्रेम है, कार्य को छोड़ो जा सके पर कार्य की कथा ना छोड़ी जाए, यानी वो साथ नहीं है भी पर उसकी बातें करना नहीं बंद कर सकते हम, वही तो अब जीने का आधार है हमारा। और गोपियां कहती हमें पता है आपको हमारी बातें समझ नहीं आ रही है, आपको लग रहा है पागल है, सब सबको लगता है, सब यही कहते हैं कि सब पागल है, पर हमें किसी को समझाना भी नहीं क्योंकि हमारी बातें या तो हम समझते हैं या तो कृष्ण समझता है। सो गाइज, ये वीडियो थी, वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, इसमें एक बताया गया है कृष्ण जी के बारे में और ये जो बेसिकली इसको हम कह सकते हैं ज्ञान और जो बेसिकली उनके बारे में बताया गया वो उद्धव जी और कृष्ण जी के बारे में डिस्कस किया गया है, उनकी कुछ खूबसूरत लम्हे और कुछ अच्छी बातें एक्सप्लेन की गई हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमें जानने को मिली। इस तरह की वीडियो से काफ़ी चीज़ें हमें कृष्ण जी के बारे में जानने को मिलती हैं और नॉलेज मिलती है उनकी अच्छी अच्छी हैबिट्स की, उनकी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में जानने की जो पॉजिटिव वाइब्स देती हैं। तो कह रहे हैं कि उद्धव जी जो हैं वो बेसिकली मतलब कि एक ज्ञानी थे, जबकि उनमें यही डिफरेंस था और कृष्ण जी में, दोनों में ये फ़र्क था कि कृष्ण जी जो हैं वो एक प्रेम प्यार और मोहब्बत उनमें ये ज़्यादा था, जबकि जो उद्धव जी हैं वो जो हैं वो सिर्फ ज्ञान के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। तो जिसकी वजह से जो कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी कहते हैं कि उनको एहसास दिलाने के लिए उद्धव जी को उन्होंने अपनी लाइफ जो उनकी गुजरी थी वृंदावन में उसके बारे में उन्होंने शेयर किया उनसे, गोपी जैसे मक्खन चोरी करते थे तो उसके बारे में बताया कि इस तरह से लोग जो हैं वो जब मना किया गया मुझे जाने से तो वो गरीब लोग हैं मत जाओ उनका मक्खन मत चोरी करो उनका खाना पीना बंद हो जाएगा, तो वो उन लोगों ने कहा कि देखो मैं जो हूँ अगर हम गरीब तब होंगे जब जिस दिन ये नहीं आएंगे हमारे घर कृष्ण जी। तो ये एक इस तरह से उन्होंने अपनी एक खूबसूरत स्टोरी बताई कि लोग उनको कितना प्यार करते थे, कितनी मोहब्बत करते थे और चाहे वो गरीब थे लेकिन उनको खुशी होती थी कि कृष्ण जी जो हैं उनके घर आते हैं, उनके घर से कुछ लेकर जाते हैं। और दूसरा एक उन्होंने कहा था कि वृंदावन की याद आती है, रो रहे थे कि मुझे वृंदावन की याद आती है क्योंकि उनके जो जो माँ बाप जो थे वो वहीं पर ही रहते हैं, जबकि वो कृष्णा जी उनको छोड़कर आ गए थे और उन्होंने जो है वो अपना अलग से एक बसेरा बनाया, वहाँ पर अपना जो उनका काम था वो करते थे। तो जो कि उनको हर्ट हो रहा था कि उनकी जो उन्होंने अपनी पेरेंट्स के साथ जो वक्त गुजारा था, जैसे वो चप्पल वाला बताया कि वो नहीं पहनते थे जब तक मैं नहीं देता था और अब भी उनकी एज भी हो गई है लेकिन स्टिल इतने सालों में भी उन्होंने नहीं पहना होगा। तो ये सारी चीज़ें एक प्यार मोहब्बत की उन्होंने बताई। और एक वो गुरुकुल वाला कह रहे थे कि गुरुकुल जो है वो जो है गवार, जब जाहिल गवार बोला तो उन्होंने कहा कि देखो
गुरुकुल तो मैं भी सिर्फ एक बार ही गया हूँ, तो मतलब कि वो पॉजिटिव वाइब्स हमेशा से सब में लेकर आते रहे हैं और सबको ये फील कराते रहे हैं कि देखें नेगेटिव ज़रूरी नहीं है कि अगर वो गुरुकुल नहीं गए तो वो जाहिल एंड गवार हैं, और एक बार गुरुकुल जाने से बंदा कितना सीख जाता है। तो उन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये जिक्र किया बताया, और जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट भी थे और अपनी फैमिली को लेकर, क्योंकि याद आ रही थी। तो फिर उन्होंने जो है वो बेसिकली उद्धव जी को एक चैलेंज दिया कि आप जाओ वृंदावन और उनको अपना ज्ञान से मतलब कि इम्प्रेस करो, और देखते हैं कि ज्ञान या प्यार क्या आगे आता है। तो खैर गए और वहाँ पर उद्धव जी ने काफ़ी अपनी कोशिश की, जिसमें गोपी और जो हैं गोपियाँ भी थीं और मतलब के नंद बाबा भी थे, तो मतलब सब सबके सामने उन्होंने बहुत सारा बोलने की कोशिश की, काफ़ी समझाने की कोशिश की। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात वो लगी कि लोग सब जो हैं उन्होंने कहा कि मतलब कि जब नंद बाबा जी जो है उन्होंने कहा कि देखो जो भगवान है बेसिकली वो तो हमारे मतलब के साथ होते हैं, तो हम दुख में और हर जगह में सब छोड़ जाते हैं, लेकिन एक एक के भरोसे हम रहते हैं। तो जाहिर सी बात है जब वो ही छोड़ के चला गया तो फिर तो आप बहुत ही बदकिस्मत और बदनसीब ही होंगे। तो मतलब ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी, और हार्ट टचिंग भी थी। तो खैर ओवरऑल वीडियो अच्छी थी काफ़ी। यहाँ पर एंड ऑफ द मॉरल स्टोरी ये होती है कि जो है वो ज्ञान से ज़्यादा प्रेम और मोहब्बत और रिस्पेक्ट ये बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है, और उनके दिल में प्यार है मोहब्बत है, सो ये चीज़ सबसे मेन चीज़ है। एंड ओवरऑल वीडियो अच्छी थी काफ़ी, मैंने इंजॉय किया वीडियो को, काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिला, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मिली, और इससे हमें आइडिया हुआ कि ज्ञान ही हर चीज़ नहीं होती है, ज्ञान के अलावा जो है वो प्यार इखलाक और खलूस बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि हमें हर किसी को देनी चाहिए। सो खैर ओवरऑल आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और ये खूबसूरत खूबसूरत एक ज्ञान था जो कि इन्होंने शेयर किया हमारे साथ। सो मुझे तो अच्छा लगा, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करें ताकि सारी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और हाँ मेरा व्लॉगिंग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साइमा पीरज़ा द व्लॉग, लिंक कमेंट में पिन कर दिया है। सो यकीनन आपको व्लॉग अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय।